सो अगेन गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और सुप्रभात, क्योंकि हम वीडियोस मॉर्निंग में बनाते हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है मॉर्निंग में वीडियो बनाने में. सो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज बहुत सारे मैंने ऐसे सवाल देखे, बहुत सारे ऐसे थोड़ी सी उलझने देखी कि यदि आप टाटा हैरियर ले रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी एक्सेसरीज हैं जो आपको इंस्टॉल करवानी चाहिए डीलरशिप से, या टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज, और कैसी एक्सेसरीज हैं जो आप बाहर से इंस्टॉल करवा सकते हैं, वारंटी में कोई हैम्पर नहीं होता है, और क्या मैंडेटरी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. सो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो लेके आता हूं इस पे और आप सभी को बताता हूं कि मैंने क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाई हैं और क्या रीजंस रहे हैं वो एक्सेसरीज टाटा की डीलरशिप से लेने में, या फिर क्या हम बाहर से ले सकते हैं और क्या मैं बाहर से प्लान कर रहा हूं और क्या सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी एक्सेसरीज दिखाता हूं जो जो मैंने गाड़ी में इंस्टॉल कराई है, और आप एज अ फीडबैक भी मुझे बताइएगा कि इज इट वर्थ ये एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाना, वर्थ था, वर्थ नहीं था, या मुझे और क्या ऑप्शंस हैं और क्या करना चाहिए था. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जो सबसे पहली एंड मैंडेटरी एक्सेसरी है वो मैं बोलूंगा सभी को इंस्टॉल करवानी चाहिए, ये होते हैं मड फ्लैप. इनकी कीमत होती है लगभग 1000-1200 रुपये, दैट इज़ वॉट द एक्चुअल प्राइस इज. ये चारों चार पार्ट में आते हैं, सो ऑल चारों टायर में. तो ये फ्रंट के हो गए और ये रियर के हो गए, सेम ही ऐसे ही दोनों उस तरफ भी हैं फ्रंट और रियर में. सो इनका बेसिकली क्या काम होता है, ये आपको मड स्प्लैश जो है बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं, और पता नहीं बहुत ज़्यादा कारगर तो नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन ज़रूर जो आपके बाहर साइड की बॉडी पे, क्लाइडिंग पे, यहाँ पर आ जाता है, उसको स्प्लैश होने से प्रिवेंट करते हैं. और ये भी मैंने टाटा से एज ए जेन्युइन एक्सेसरी ली है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और दे आर गुड डिसेंट वर्किंग. सो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि ये जो फुटमैट है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी गंदी है, लेकिन ये जो फुटमैट है ये आप देख रहे होंगे बहुत ही प्रॉपर फिटिंग है. तो ये हो गई फ्रंट की ड्राइवर साइड की फुटमैट, और यहाँ पे आपका जो फुटरेस्ट है उसके लिए भी बनाया होगा. इसका फुटरेस्ट उतना प्रॉपर नहीं है मैनुअल में, और इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर 3D स्टाइल बकेट टाइप प्रॉपर एक फिटिंग है, मतलब कहीं से कुछ भी जाने की. और ये है हमारा दूसरे साइड का को ड्राइवर साइड का, सो ये भी बहुत अच्छा है. और इसका जो ब्रांडिंग है वो है, आप देख पा रहे होंगे, GFX. ये जो ब्रांडिंग है ये आपको बड़े आराम से अमेजोन पे मिल जाएगा, चाहे तो मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा इसका कि GFX से मैट. और इसकी एक अच्छी चीज़ और है वो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कि ये जो पीछे की मैटिंग है ये सिंगल पीस में आती है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जब मैंने इको स्पोर्ट में जो मैटिंग थी, क्योंकि वो तीन पीसेस में आती थी, तो ये जो बीच वाला पीस है ये बार बार निकल जाता है और ये हमेशा गंदा ही रहता है. सो अभी ये अच्छी चीज़ है कि ये तीन पीसेस में आती है. सो ये सिंगल पीस में आती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो ये सिंगल पीस में आती है. तो इसको लगाना, साफ करना और वापस से मतलब गाड़ी को मेंटेन करना, और फिटिंग देखिए यार कितनी प्रॉपर है. और इसकी प्राइसिंग लगभग 4000 रुपीज़ है, कहीं आपको 3800 से लेके 4200 तक, डिपेंडिंग अपॉन क्या डिस्काउंट चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी. तो कोई भी इशू नहीं है और ये बहुत ही अच्छी लगती है. बाकी एक जो मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि मैंने क्या लगवाया है, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है ये सन ब्लाइंड्स. ये देख पा रहे होंगे, तो ये सन ब्लाइंड्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, ये लगभग 3500-4000 रुपये के आसपास मिलते हैं टाटा मोटर्स के जेन्युइन. ये देखिए हैरियर की बैजिंग भी है यहाँ पे. सो ये चारों विंडोज़ के हैं, और जो फ्रंट के मिलते हैं वो ऐसे कुछ मिलते हैं ताकि आपका जो ORVM है उससे विजन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो. ये गेट खुला हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं. और आप यदि विंडोज़ खोलें तो आप किसी से, जैसे टोल वोल पे ट्रांजेक्शन या कहीं और भी आपको ट्रांजेक्शन करना है, किसी से बात करनी है, तो आप कर पाएं. अब इनकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों मैंने ये 4000 के लिए, क्योंकि अमेजोन पे ये आपको 1000-1200-1500 रुपये तक मिल जाएगी. सो क्या पर्पस है इनका लेने का वो मैं आपको बताता हूँ. जो आप मार्केट से लेते हैं, मैंने अपनी इको स्पोर्ट में लगाई थी वो, ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकता हूँ. मैग्नेटिक है, यहाँ पे मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो ऊपर जाके चिपक जाते हैं, और फिर मैं इसको बड़े आराम से यहीं बैठे बैठे देखिए मैं फिट कर पा रहा हूँ. देखिए अब मैं आपको एक बार प्रॉपरली दिखाता हूँ. बड़े आराम से मैंने इसको यहाँ से निकाला और उतने ही आराम से मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया. तो कोई भी इशू नहीं है इसमें. अब ये प्रॉपरली फिट हो गया. अब यदि यही मैं आफ्टर मार्केट खरीदता जो 1200 रुपये के आते हैं, उसमें क्या होता है कि ये इनके साइज थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये गेट में स्टक हो जाते हैं.
जब आप गेट क्लोज करते हैं तो somehow वहां स्टक हो जाते हैं, और फिर आपका डोर ओपन, मतलब जब आप डोर क्लोज है तो आप ये निकाल नहीं पाते और लगा नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ा सा इशू है कि जब आप चलती हुई गाड़ी में सोचे कि कभी मुझे नहीं लगाना है, मुझे व्यू इंजॉय करना है तो मैं निकाल दूं, फिर जब सन है तो इसको लगा दूं। सो ये एक मेजर सा इशू होता है जो मुझे लगता है कि मुझे जेन्युइनली लेनी चाहिए। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के हैं, सो उससे भी कोई कंप्लेंट नहीं है। सो आप चारों विंडो में देख सकते हैं। बाकी मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं जो अगला एक्सेसरी लगवाने का प्लान कर रहा हूँ, बाकी देखिए एक्सेसरी बहुत आती है। आप जो नीचे का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको मूड लाइटिंग और एम्बियंट लाइटिंग का एक ऑप्शन आ जाता है। सो वो भी ऑप्शन लगभग 6-7 हज़ार रुपये का है। प्राइसिंग एग्जैक्टली मैं आपको डिटेल बताऊंगा जब भी मैं टाटा मोटर्स जाऊंगा, तो एग्जैक्टली लगभग इतने का है। लेकिन मुझे कोई भी वायर कटिंग करना या कोई भी ऐसी चीज़ें जो गाड़ी की वारंटी के साथ हैम्पर करें बिल्कुल पसंद नहीं है, सो इसीलिए मैंने वो सब इंस्टॉल नहीं कराया, जो देखने में अच्छा लगता है पर मैंने इंस्टॉल नहीं कराया। बाकी आपको एक यहाँ पर आप देखेंगे, सो नीचे यहाँ पर अंडरबॉडी लाइटिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कुछ लाइट्स आ जाती हैं, अंडरबॉडी लाइट आप लगवा सकते हैं जो नाइट में एक प्रॉपर विजिबिलिटी देती हैं, बट अगेन इलेक्ट्रिकल से छेड़छाड़ी करना गाड़ी की मुझे एडवाइजेबल नहीं लगा। देन एक ऐसा यूजफुल एक्सेसरी क्या होता है, आप यहाँ पे एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल होता है वो एग्जैक्टली दिस प्लेस में, एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पे वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है और वो बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगेन वो एडिशनल एक वहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए गेज होगा और बार बार उसके साथ मतलब अगेन वायरिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ेगी, सो कंपनी फिट को प्रॉब्लम होगी। सो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले अराउंड विथ कंपनी फिट। लेकिन मैं जो प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे स्कफ प्लेट लगाने का प्लान जरूर कर रहा हूँ चारों डोर पे, यहाँ पे हैरियर की बैजिंग के साथ जेन्युइन स्कफ प्लेट, ये बाहर से भी आपको मिल जाएगी लेकिन आई एम थिंकिंग टू गेट इट डन बिकॉज ये पोर्शन में काफ़ी इशू है क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊँची है, मैंने फुटरेस्ट नहीं लगा रखे। आप फुटरेस्ट भी लगा सकते हैं यदि आपके घर में कोई एल्डर्स हैं जिनको चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, जो बच्चे इसी पे स्टेप करके चढ़ते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, तो मुझे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्कफ प्लेट्स जरूर लगवा लें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लगा कि मुझे ये सारी एक्सेसरीज, और मैंने एक और पीछे जो बूट में डलाया है वो आपको दिखाता हूँ। सो ये जो है ये मैट यार एकदम क्लास है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, रबर की है, इसमें कुछ भी स्लिप नहीं होगा आपका सामान। देखिए इसमें जो नर्निंग टाइप बना हुआ है तो ये एंटी स्लिप टाइप की है, तो इससे कुछ स्लिप नहीं होगा, आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं इसमें और आराम से इसको बाद में क्लीन करा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब मैं रिकमेंड करूँगी टाटा मोटर से लीजिए क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें हैरियर की बैजिंग भी है तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसे आफ्टर मार्केट सी नहीं लगती और फ्लिमजी सी नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी तो नई टाटा हैरियर में इन्होंने मुझे लगता है इन्फ्लेटर लेना चाहिए एक टायर का, तो इन्होंने देखिए कितना बढ़िया प्रोविजन करके इन्फ्लेटर एज वेल एज ये पंचर किट इसी में दे दी है, और ये नई टाक एडिशन में इसको यहीं पर इंस्टॉल कर दिया गया है परमानेंटली, तो इसको अलग से वो जो पाउच आता था पहले जिसमें आपको कैरी करना होता था वैसा कुछ नहीं करना है, सो ये एक बड़ी अच्छी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके पास ये इन्फ्लेटर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप ये टायर इन्फ्लेटर लॉन्ग ड्राइव के लिए ज़रूर रख लीजिए। सो इसके अलावा यदि आप इंटीरियर में देखेंगे तो मैंने ये एक मेरे बच्चे की फरमाइश पे, विहान की फरमाइश पे, मैंने ये बैटमैन का एक लोगो टाइप का जो मुझे अमेजोन पे मिला था लगभग 450 रुपीज़ का, ये एक्रेलिक में है, तो पता नहीं ये सब्जेक्टिव है लुक कैसा देता है, ऐसे मेरी घर में मेरी वाइफ को ज़्यादा पसंद नहीं आया लेकिन आई लव्ड इट, इवन मेरे बच्चे विहान को भी बहुत पसंद आया। तो ये एक एक्सेसरी है, मतलब ये बहुत ही ऑप्शनल है जो मैंने एज लुक एनहेंस करने के लिए, जैसे मैंने गाड़ी को पूरा डार्क बना के रखा हुआ है सो ये एक डार्क थीम को और भी अच्छा एनहेंस करके दिखाता है, सो ये एक एक्सेसरीज थी। इसके अलावा मैं यदि आपको दिखाऊं एक्सेसरीज में, तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हैरियर का मैस्कॉट लगवाया है डोर पे, तो ये हैरियर का मैस्कॉट दोनों साइड पे लगवाया है और फ्रंट पे लगवाया है, तो यहाँ पे लगवाया है और आप देखेंगे तो यही मैस्कॉट फ्रंट पे भी है। एंड आप यदि साइड पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये वाले डोर पे भी ये मैस्कॉट
मैंने लगवाया है। सो ये इसकी कीमत है 275 रुपीज़। अब मैं आपको बता दूँ अब ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन आप साइड लुक देखें और जब शाइन पड़ती है चमक होती है तो काफ़ी अच्छा दिखता है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये इस लुक में काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो 275 रुपीज़ है। यदि आप एक्सेसरीज में जाएंगे और इसकी प्राइसिंग निकलवाएंगे तो वो प्राइसिंग वो आपको लगभग 1200 रुपये से लेके 600 रुपये कुछ भी मनमाना बताते हैं, लेकिन ये 275 रुपीज़ का है। मैंने सर्विस सेंटर की स्पेयर पार्ट शॉप से लिया है, तो ये भी एक अच्छी एक्सेसरी हो सकती है। और ये 3 कलर में आता है, एक ग्रे कलर में आता है, एक क्रोम कलर में आता है और एक ब्लैक कलर में आता है। तो जो भी आपकी गाड़ी का कलर है उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप ये लगवा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी एक्सेसरी है लगवाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, मैंने देखी ये क्रोम की बैजिंग भी ब्लैक करा रखी है, और ये मैंने क्रोम की बैजिंग बैक पेंट नहीं कराया, इसमें मैंने रैप करा रखा है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा गंदा है, अदरवाइज फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका लुक और भी एनहेंस होके काफ़ी अच्छा लुक दिखता है, यदि आप इसको देख पा रहे होंगे। सो ब्लैक में और भी अच्छी स्टेल्दी और पूरी डार्क की फीलिंग आती है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये चीज़ मैंने ब्लैक में भी करवा रखी है, तो ये रैपिंग की कॉस्ट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली उन्होंने, लगभग 900 रुपीज़ 950 रुपीज़ ऐसा चार्ज किया। वर्थ पता नहीं वर्थ है कि नहीं, लेकिन ये मुझे कहीं हो नहीं रहा था और मुझे कराना था तो मैंने करवा लिया, पता नहीं कितना वर्थ है। सो ये भी एक है जो चीज़ आप करवा सकते हैं, एंड थिंक गाड़ी को ज़्यादा एनहेंस्ड लुक देता है, देख सकते हैं आप। सो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं और जो मैंने सोचा है शायद आपको हेल्पफुल होंगी इन लॉन्गर टर्म, यदि आप एक्सेसरी वगैरह के लिए कुछ खोज रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन टॉप मॉडल में बहुत सारे एक्सेसरीज की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये जो दो चार चीज़ें जैसे मूड लाइटिंग हो गया, अंडर बॉडी लाइट हो गया, या फिर यहाँ पर यदि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पे एक हैरियर का प्रोजेक्शंस भी आता है, प्रोजेक्शंस लाइट जो नीचे हैरियर लिखा हुआ और हैरियर का एक ग्राफिक्स जो है नीचे प्रोजेक्ट करती हैं, वो भी अच्छा लगता है, आप बाहर के ओवर में हैं वो। सो ये सारे कुछ ऑप्शन हैं जो आप अवेल कर सकते हैं एज एन एक्सेसरीज, दो टाटा मोटर्स में काफी कॉस्टली है, लेकिन जो कुछ चीजें हैं मुझे लगा कि ये यूजफुल है, मुझे यहां से ही करानी चाहिए, टाटा मोटर से ही करानी चाहिए, क्योंकि यार थोड़ा तो क्वालिटी में फ़र्क होता है, आप मानो या ना मानो, मतलब ऑब्वियसली महंगी लगती हैं, महंगी होती भी हैं, प्राइस जस्टिफाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी लगा कि यार ठीक है इतना खर्च किया है तो थोड़ा और करके ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। तो होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोटर गाड़ी ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली गाड़ियों की अवेलेबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यदि शोरूम में भी आप जाते हैं तो जनरली वो ऐसे वीडियो या शूट करना अलाउ नहीं करते हैं, और जब तक आपका एक सिग्निफिकेंट सब्सक्राइबर बेस नहीं होता लोग एंटरटेन भी नहीं करते। सो आई एम ट्राइंग ऑल ऑफ दिस हाउ टू फिगर इट आउट, दोस्तों के साथ भी कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने नई गाड़ियाँ ली हैं। सो बहुत कुछ टाई अप चल रहा है, सो देखते हैं कि क्या कुछ कैसे वीडियो लेके आ पाते हैं हम फ्यूचर में, और होप कि आपको वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी। सो इसीलिए मैं आपको बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहे। सो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मुझे लगेगा कि आपके लिए मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट व्लॉग।